पिछले माह अपार्टमेंट के लिफ्ट में फंसकर गंभीर रूप से घायल हुई सावित्री देवी नामक महिला को 2 दिन पूर्व हाईटेक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई। महिला के दोनों पैर सही सलामत हैं और उनके सभी ऑपरेशन कर दिए गए हैं। डॉक्टरों ने उम्मीद जताई है कि 1-2 महीने में वे अपने पैरों पर खड़ी हो जाएंगी। घर के लिए रवाना होने से पूर्व मरीज महिला सावित्री देवी ने अस्पताल के डॉक्टरों और नर्सों की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि अस्पताल प्रबंधन, डॉक्टर दीपक सिन्हा और नर्सों ने मिलकर असंभव का संभव कर दिखाया। इस अस्पताल में इतनी अच्छी देखभाल हो सकती है, इसका उन्हें कोई अंदाजा ही नहीं था। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे डॉक्टर सब भी हैं, यहाँ की नर्स सब भी बहुत अच्छे, अपने बच्चे की तरह सारे लगे हुए रहे मेरे पीछे। डॉक्टर भी अपने बेटे की तरह ट्रीट कर रहे हैं। नहीं, हमको नहीं लगा कि हम बाहर अस्पताल में हैं। कभी कभी अगर यदि मेरा बाल बच्चा भी देखने के लिए नहीं आ सकता था तो ये लोग मेरा 24 घंटा ख्याल रखिए। बहुत अच्छी है ये लोग, ऐसा हम नहीं कहीं देखे हैं और हम कहीं भी हॉस्पिटल भर्ती हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं। बहुत अच्छा है, सब लोग बहुत अच्छा मेरा ख्याल किया है। आज पूरा 1 महीना हो गया इस हॉस्पिटल में। बस जिस दिन मैं मम्मी को लेके आया था, मैं लेके तो नहीं आ पाया था, बाकी सब लेके आए थे, और आधे घंटे के बाद मैं पहुंचा था मम्मी के आने के बाद। वो आधे घंटे में मम्मी का प्रोसीजर स्टार्ट हो गया था, ये बहुत सही लगा मुझे कि कोई भी मतलब कि पेशेंट का कोई अपना नहीं है, फिर भी प्रोसीजर हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो ये चीज़ यहाँ का बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मेरा वेट नहीं किया सिग्नेचर लेने के लिए, और जो है जो ऑपरेशन जो पहला ट्रीटमेंट उनको करना था उन्होंने स्टार्ट कर दिया। और जितने भी सपोर्ट होने चाहिए सारे सपोर्ट जो है यहाँ के स्टाफ और जो है क्या कहते हैं डॉक्टर से मुझे मिला। खास करके तो मैं यहाँ पे नर्सिंग स्टाफ को सबसे अधिक जो है शुक्रगुजार हूँ कि जो है मैं अकेला बेटा हूँ और देखने के लिए जॉब है, मेरे 2 साल की बच्ची, घर देखना, हॉस्पिटल देखना, मतलब कि ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ा कि जो है क्या कहते हैं हम तीनों जगह पर संभाल रहे थे। तो नर्सिंग स्टाफ तो सबसे पहले तो दीदी का ही थैंक यू बोलेंगे कि दीदी जो है बहुत सपोर्ट की है कि जो सभी लोग खाने पीने से लेके मम्मी का दवाई तक। और अब ऐसा है कि मम्मी को आज डिस्चार्ज मिल रहा है, इससे अधिक खुशी और नहीं हो सकती है। जिस कंडीशन में हम लेके आए थे, डॉक्टर साहब बोले पैर काटना पड़ेगा, बट आज मैं मम्मी का पैर जोड़ के भेज रहे हैं, इससे अधिक और खुशी क्या मिल सकती है। इसलिए हमें बहुत अच्छा लगा सारे स्टाफ से मिल के और जो है इस हॉस्पिटल में आके। मैं तो हॉस्पिटल ऐसा होता है ये तो नहीं सोचा था। हॉस्पिटल में हम लोग बहुत गए हैं, नर्सिंग स्टाफ इतना हेल्प मिलेंगे, इतना था कि मैं वेलोर में एडमिट था तो वहाँ पे मुझे इतना हेल्प नहीं मिला था, बट जो है यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट। एक कहते ना एक लंबी छुट्टी के लिए आए थे तो हम लोग लंबी छुट्टी बिता के जा रहे हैं, एक ये फीलिंग यहाँ से होके जा रहा है। मैं सर डॉक्टर दीपक सिन्हा, ऑर्थोपेडिक सर्जन, हाईटेक हॉस्पिटल। अभी 1 महीने पहले हमारे पास सावित्री देवी नाम की पेशेंट आई थी जिनको लिफ्ट में फंस जाने के कारण से दोनों जो थाइस थी उनकी वो क्रश हो गई थी उसमें। और शी वॉज ओल्ड, अराउंड 66 ईयर्स उनकी एज थी और डायबिटिक भी थी वो। तो वो जब हमारे पास आई रात में अराउंड 12:30 or 12 AM जब वो आई रात में, तो उनका जो सर्कुलेशन था पैर का, मतलब गुडनेस नीचे जो सर्कुलेशन था वो बहुत अच्छा नहीं था। उसको हमने जाँच किया तो हमने पाया कि जो मेन जो ब्लड सप्लाई है उस पैर की, उसमें जो ब्लड का फ्लो है वो काफ़ी कम था। हड्डियाँ जो थी वो चूरा चूरा में मतलब टूट गई थी, और पेशेंट को ज़्यादा मोमेंट वगैरह भी पेन में नहीं था उस समय, पैर में नहीं था सॉरी। तो हमने पेशेंट को इमीडिएट ओटी में लिया, सो सॉफ्ट टिश्यू सर्जरी की, जो डेड टिश्यूज थे उसको निकाला है, सर्कुलेशन को इस्टेब्लिश किया, लेंथ इस्टेब्लिश किया। और क्योंकि ये पेशेंट आई थी तो वो शॉक में थी, शॉक का मतलब ये होता है कि ब्लड बह जाने के कारण से बीपी जो था उनका वो नहीं आ रहा था अच्छे से, बीपी काफ़ी कम था, वो फ्लूड देने के बाद भी बढ़ नहीं रहा था। तो उन सब चीज़ों को हमने मैनेज किया, आईसीयू में रखा मरीज को। फिर 3 दिन के बाद उनकी दूसरी सर्जरी की, घुटने के नीचे की दोनों हड्डियाँ टूट गई थी जिसमें प्लेटिंग किया गया। और फाइनली अभी 1 हफ्ते पहले उनकी लास्ट सर्जरी की, जिसमें हमने कुछ फिक्सेटर लगा के रखे थे लेंथ रेगुलेशन को मेनटेन करने के लिए, उसको निकाल के हमने प्रॉपर प्लेटिंग कर दी है। स्किन ग्राफ्ट की भी जरूरत पड़ी पेशेंट को, तो वो भी हमने किया है। पेशेंट जो है वो काफ़ी अच्छी हैं अभी। उस समय तो ऐसा लग रहा था कि पैर बचाना भी शायद मुश्किल होगा, बट हमने उनको भी डिस्चार्ज किया 1 दिन पहले। शी इज़ फाइन, और आई होप कि 3 महीने के अंदर वो चलने लगे।